सो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मोटरोला G54 5G मोबाइल में आप डेली डाटा यूज शो करना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में डेली डाटा यूज शो कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर जो है डेली डाटा यूज शो नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी, तो अब आप भी अपने फोन में जो ऊपर डेली डाटा यूज शो करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिख देना है नेट स्पीड इंडिकेटर। तो यहाँ पर जैसे ही नेट स्पीड इंडिकेटर लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यह एप्लीकेशन आपको भी डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिल जाएगा डेली डाटा यूज, डेली वाईफाई यूज, तो इनको जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले इनेबल इंडिकेटर को इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डेली डाटा यूज, डेली वाईफाई यूज, तो इसको जो है इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको नेट स्पीड इंडिकेटर को जो है अलाउ करना है, तो इसको जो है यहाँ पर जो है परमिट कर देते हैं, यानी कि परमिशन दे देना है। अब बैक आते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डेली डाटा यूज, डेली वाईफाई यूज, तो इन दोनों ऑप्शनों को जो है इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके फोन में जो है डेली डाटा यूज शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है डेली डाटा यूज शो होने लगा है, कितना MB खत्म हुआ कितना नहीं खत्म हुआ तो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों इस तरीके से अपने मोबाइल में जो है डेली डाटा यूज शो कर पाओगे।